पुस्तक देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो वन। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, मुनासिब जगह पर मुनासिब चीज पैदा होती है। नागपुर के संतरे अगर आप अपने यहाँ बोना चाहें तो मीठे नहीं होंगे। बंबई, मुंबई वाला केला जो कि वहां की जमीन में पैदा होता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। लखनऊ का आम सारी दुनिया में मशहूर है। अगर वही आम आप अपने गांव में बोएं तो उतना मीठा नहीं होगा जैसा कि वहां का होता है। नीलगिरी का चंदन कितना खुशबूदार होता है। यदि उसी चंदन का पेड़ आप ले आवें और अपने गांव के बगीचे में लगा दें तो इतना खुशबूदार नहीं होगा। देवगण जहां हिमालय पर रहते हैं वहां एक लंबी वाली शकरकंद जैसा कंद पैदा होता है और वह कई दिन तक खाने के काम आ जाता है। उसी शकरकंद का बीज आपको दे दें तो आप बोलेंगे, नहीं, पैदा नहीं होगी। ब्रह्म कमल जिसके लिए द्रौपदी ने भीम से आग्रह किया था कि तुम ब्रह्म कमल ला करके दो, यह कहाँ पैदा होता है? यह उत्तराखंड में जहाँ गोमुख है उसके आगे तपोवन के नजदीक पैदा होता है। यह ब्रह्म कमल का फूल जमीन पर खिलता है, पानी में नहीं। यह अपनी जगह पर होता है। आप कहीं से बीज ले आएं ब्रह्म कमल के, अपने घर में बोना चाहें तो हो सकता है ना? वहां नहीं हो सकता। जगह की अपनी महत्ता होती है, हिमालय की अपनी महत्ता है। सारे ऋषियों ने वहीं निवास किया था, स्वर्ग भी पहले वहीं था, ऋषियों की भूमि भी वहीं है। बड़ी सामर्थ्यवान, बड़ी संस्कारवान भूमि है। हमको भी तप करने के लिए वहां भेज दिया गया था और अब हम यहाँ सप्त ऋषियों की भूमि शांति कुंज में हैं। देवात्मा हिमालय का अपना महत्व है, गंगा का अपना महत्व है। गंगा अपने में आध्यात्मिक शक्तियों को समेटे हुए है। यह न केवल उसके पीने के पानी में है बल्कि वह जहां होकर बहती है वहां का वातावरण भी कुछ विशेष होता है। सप्त ऋषियों की भूमि जहां सातों ऋषियों ने तपश्चर्या की थी और जो अभी भी ऊपर आसमान में दिखाई पड़ते हैं, उनकी जो भूमि है सप्त ऋषि भूमि, वह भी यही है जहां आपका यह शांति कुंज बना हुआ है। और भी गंगा के किनारे बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां सिंह और गाय कभी एक घाट पर पानी पीने लगते थे। ऐसे प्राणवान स्थान भी होते हैं और सिद्ध पुरुष भी होते हैं। हम यहाँ ऐसे स्थान पर ही आए हैं। यहाँ आकर हमने आपकी भावनाओं को दिव्यता का स्मरण कराने के लिए देवात्मा हिमालय का एक मंदिर बना दिया है। हिमालय का मंदिर और कहीं नहीं मिलेगा आपको। लोगों ने देवताओं के मंदिर बनाए हैं, अमुक के मंदिर बनाए हैं, तमुक के मंदिर बनाए हैं, पर हिमालय का मंदिर सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगा। हमने यह भी बनाया है, यह सप्त ऋषियों की भूमि है। सप्त ऋषियों की भूमि और कहाँ है बताइए आप? कहीं नहीं है, मात्र यहीं पर है जहां आज शांति कुंज बना हुआ है। गंगा पहले यहीं पर बहती थी,
यहाँ की थोड़ी सी जमीन भर गई है, इसलिए शांति कुंज वाली जमीन में जो पानी हजारों वर्षों से बहता था वह बंद नहीं हुआ है। वह धारा अभी भी बह रही है। उसके लिए सामने रास्ते बना दिए गए हैं। हिमालय मंदिर क्या है? ये प्रतीक क्यों बना दिए हैं? प्रतीकों का अपना अलग महत्व है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य का प्रतीक बना लिया था। रामचंद्र जी ने शंकर जी का प्रतीक बनाया था जब वे वनवास गए थे और सीता हरण के कारण दुखी मन से वन वन भटक रहे थे। उस समय उन्हें जब प्रतीक की आवश्यकता हुई तो उन्होंने शंकर जी के मंदिर की स्थापना की थी रामेश्वर में। ये सब प्रतीक हैं, जैसे तिरंगा झंडा अपना राष्ट्रीय प्रतीक है। कम्युनिस्टों का भी झंडा होता है। लोग कहते हैं कि वे प्रतीकों को नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? लाओ हम उनके झंडे को उखाड़ फेंकें, फिर देखो क्या होगा। मुसलमान भी प्रतीकों को नहीं मानते हैं क्या? मक्का मदीना में प्रतीक ही तो रखा हुआ है जिसका वे चुंबन लेते हैं। समस्त देवात्मा हिमालय का मंदिर कहीं था नहीं। भारतवर्ष का यह एक बड़ा अभाव था, वह हमने दूर किया है। ताकि साधना की दृष्टि से कोई आदमी आना चाहे तो इस स्थान पर आकर वह महत्वपूर्ण लाभ उठा सके, इसलिए यह बनाया गया है। मुनासिब जगह पर मुनासिब काम होते हैं। हिमालय में बहुत सारे ऋषि रहते हैं और जो भी ऋषि आए हैं वे सब हिमालय से आए हैं। उन्हीं ऋषियों का स्मरण दिलाने के लिए हमने यह कोशिश की है कि जो उन्होंने काम किए थे उनको समेट करके, पूरा न सही, थोड़ा थोड़ा काम करें तो अच्छा होगा। हमने वही किया है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे थे, दर्शन भी लिखे थे। पुराणों और दर्शनों को हम लिख तो नहीं सके, पर हमने उनका अनुवाद किया है, वेदों का अनुवाद किया है। व्यास जी ने जो काम किए थे उस रास्ते पर हम भी चले हैं। और यहाँ जब आप शांति कुंज में आएंगे तो देखेंगे कि उसकी निशानी यहाँ भी विद्यमान है। महर्षि पतंजलि ने गुप्त काशी में रहकर योगाभ्यास किया था। जब आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो कल्प साधना शिविर कराए जाते हैं, अन्य दूसरे शिविर कराए जाते हैं और यहाँ योगाभ्यासों का, प्राणायामों का विधि विधान सिखाया जाता है। वह हमने भी किया है और आपको भी सिखाते हैं। पुराने जमाने के ऋषियों में याज्ञवल्क्य का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने यज्ञ के संबंध में शोध की थी। यज्ञ से किस तरीके से मनुष्य के शारीरिक और मानसिक रोगों का निराकरण होना संभव है और यज्ञ से किस प्रकार पृथ्वी के वातावरण को ठीक किया जाना संभव है। ऐसी बहुत सी बातों की महत्ता थी तब, लेकिन लोग उस महत्वपूर्ण यज्ञ को भूल गए थे। ऐसे ही हवन कर लेते थे सुगंध फैलाने के लिए। हमने उसको फिर से जीवित किया है शोध करके, जैसे कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया था। लगभग उसी तरीके से यहाँ शांति कुंज में भी हमने कोशिश की है कि वह परंपरा चलती रहे। विश्वामित्र ऋषि थे, वे गायत्री के मंत्र दृष्टा हैं। गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं उसका विनियोग है। सविता देवता हैं और विश्वामित्र ऋषि। गायत्री छंद विनियोग है, विश्वामित्र उसके पारंगत थे। विश्वामित्र का भी यहाँ स्थान बना हुआ है। गायत्री का मंदिर भी बना हुआ है शांति कुंज में। हमने भी गायत्री के पुरस्चरण किए हैं। विश्वामित्र को भी हम गुरु मानते हैं।
जो हमारे हिमालय वाले गुरु हैं, वे अगर विश्वामित्र हों तो आप अचंभा मत मानना। भगीरथ का नाम आपने सुना होगा, उनने हिमालय पर तप किया था और तप करके गंगा को लाए थे। गंगा जब धरती पर आने लगी तो उनके प्रचंड वेग को देखकर भगीरथ ने सोचा कि यह तो हमारे बूते का नहीं है। गंगा जी ने भी कहा कि जब मैं नीचे जमीन पर गिरूंगी तो सुराख हो जाएगा, सो तुम मुझे स्वर्ग से बुलाकर कैसे धारण करोगे। तब भगीरथ ने शंकर जी से मदद मांगी। शंकर जी ने अपनी जटाएं फैला दी। इस तरह स्वर्ग से जब गंगा आई थी तो पहले शंकर जी की जटाओं में आई, पीछे जमीन पर गिरी। भगीरथ आगे आगे चले, इसलिए गंगा भागीरथी कहलाई। यह आपको मालूम है ना? भगीरथ तो अब नहीं है, मगर उनके तप का स्थान अभी भी है। गंगोत्री के पास गौरी कुंड है, उसके पास एक शिला है जिसका नाम भगीरथ शिला है, जहां भगीरथ ने बैठकर तप किया था। उस स्थान पर बैठकर हमने भी ठीक उसी तरीके से एक साल का अनुष्ठान किया था। हम भी ज्ञान गंगा को लाए हैं, यह ऋषियों की परंपरा है। हमने कोशिश की है कि ऋषिगण जिस रास्ते पर चले हैं, हम भी उस रास्ते पर चलें। पुस्तक देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 2। ऋषियों की वजह से हिमालय धन्य हुआ, नहीं तो हिमालय में क्या बात है। इससे ऊंचे ऊंचे और भी पहाड़ हैं। सारी दुनिया में पहाड़ों की कोई कमी है क्या? उत्तराखंड इसी वजह से प्रख्यात हुआ है कि इसमें चारों धाम भी बने हैं, 5 प्रयाग भी इसमें हैं, 5 गुप्त काशियां भी हैं, 5 सरोवर भी हैं। समूचे भारतवर्ष के जो कुछ भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो कुछ भी तीर्थ हैं, सब इकट्ठे होकर इसी जगह पर एकत्रित हो गए हैं। हमारा भी प्रयत्न इसी तरीके से रहा है। परशुराम जी का नाम आपने सुना होगा। उन्हें शंकर भगवान ने एक कुल्हाड़ा दिया था, उस कुल्हाड़े से उनने लोगों के सिर काट डाले थे जो खराब दिमाग वाले थे, बद दिमाग वाले थे। उन बद दिमाग वालों के सिर काटकर परशुराम जी ने फेंक दिए थे, और वह भी 21 बार। सिर काटने से मतलब? सिर काटना तो मेरे ख्याल से ऋषि के लिए क्या संभव रहा होगा? यह कथन तो आलंकारिक मालूम पड़ता है। दिमाग बदल जरूर दिए होंगे। दिमाग बदलने के लिए विचार क्रांति की दृष्टि से हम लगभग वही काम कर रहे हैं जो कि परशुराम जी ने फरसा लेकर किया था। फरसा तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर कलम जिंदा है। दोनों चीजें हमारे हाथ में हैं और उन्हीं के सहारे हम लोगों के दिमागों को बदलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। परशुराम जी यमुना जी को भी लाए थे और फरसा भी लाए थे। परशुराम जैसा लगभग वही काम हमने किया है। प्रायः सभी ऋषि उत्तराखंड में ही हुए हैं। ऋषियों ने इसी पुनीत भूमि में रहकर तपस्या की ताकि अध्यात्म शक्तियों को ठीक ढंग से संभाल सकें, इसलिए उन्होंने इसी स्थान को चुना था। हमने भी इसे ही चुना है। हमारा और आपका मिलन हो सके, इसलिए हिमालय की जहां से शुरुआत होती है, हरिद्वार से, उस स्थान पर हम बैठे हैं, ताकि आपके लिए भी यहां आने में मुश्किल न हो। ऊंची जगह पर चढ़ना मुश्किल है, जहां बर्फ पड़ती है
और अत्यधिक ठंडक रहती है, जहां खाने पीने का कोई सामान नहीं है। यदि आप वहां जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी आपके लिए, इसलिए हमने हरिद्वार में रहना मुनासिब समझा। यहीं से हिमालय शुरू होता है। गंगा में यहां से पहले कोई गंदी चीज नहीं डाली जाती और न कोई नाले पड़ते हैं, बाद में पड़ते हैं, इसलिए हरिद्वार को हमने मुनासिब समझा। चरक ऋषि को आप जानते हैं क्या? चरक ऋषि प्राचीन काल में हुए हैं। उन्होंने दवाओं, प्राकृतिक औषधियों के संबंध में शोधें की थीं, खोजें की थीं। उनका स्थान केदारनाथ के पास था, जहां सिखों का गुरुद्वारा है। केदारनाथ के पास फूलों की घाटी है, जो उन्हें बहुत प्रिय थी। अब तो वहां तोड़फोड़ के कारण सब जड़ी बूटियां नष्ट हो गई हैं। वहां तो अब फूलों की घाटी भी नहीं है, लेकिन अगर कभी आपको फूलों की घाटी देखने का मन हो तो आप गोमुख से आगे ऊपर तपोवन जाना, नंदन वन जाना। तपोवन और नंदन वन ऐसे स्थान हैं जहां विचित्र दुर्लभ फूलों की छटा देखते ही बनती है। इनमें ब्रह्म कमल भी शामिल है, वह आपको वहीं मिलेगा। चरक के रास्ते पर हम भी चले हैं। वनौषधियों के प्राचीन श्लोकों को ठीक तरीके से खोजबीन करने के लिए और उनके सही और गलत होने की बावत जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की है। जो कुछ भी संभव है, पुराना और नया, अर्थात पुराने ढंग से कैसे शोध की जाती थी और नए ढंग से कैसे की जाती, यह हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है। उत्तर काशी में आरण्यक हैं। आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक उसे कहते हैं जहाँ लोग वानप्रस्थ लेकर समाज सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। उनके निवास स्थान को आरण्यक कहते हैं। गुरुकुल छोटे बच्चों का होता है, विद्यार्थियों का होता है। वहां तो आरण्यक ही था, पर यहाँ पर हमने गुरुकुल और आरण्यक दोनों चलाने की कोशिश की है। बच्चों का भी यहाँ विद्यालय है, खास विद्यालय, जिसके बारे में कहना चाहिए कि हिंदुस्तान भर में शायद ही कहीं ऐसा विद्यालय आपको देखने को मिले। प्रचारक और लोकसेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ आरण्यक बनाया है। भगवान बुद्ध ने भी बनाए थे नालंदा और तक्षशिला में। उनमें प्रचारक और कार्यकर्ता तैयार किए जाते थे। हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं को संगीत की शिक्षा, व्याख्यानों की शिक्षा, समाज सेवा की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा आदि सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। यही जमदग्नि का आश्रम है। नारद जी का नाम तो सुना है ना आपने? वे संगीत के द्वारा ही सारी की सारी भक्ति का प्रचार करते थे और हिंदुस्तान से लेकर सारे विश्व भर में घूमते थे। चाहे जब भगवान के पास जा पहुंचते थे। उनका स्थान कहाँ था? विष्णु प्रयाग में उन्होंने तप किया था। वहां तो हम आपको नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ पर नारद जी का जो काम था संगीत शिक्षा का, वह हमने किया है, क्योंकि इस जमाने में लोक शिक्षा के लिए संगीत बेहद आवश्यक है। संगीत के बिना देहाती इलाकों में, जहां बिना पढ़े लिखे लोग अधिक रहते हैं, उनको प्रशिक्षित करना बड़ा मुश्किल है। हमने उसकी भी यहाँ व्यवस्था बना ली है। वशिष्ठ जी का तो नाम आपने सुना है। उन्होंने राजनीति और धर्म दोनों को मिलाया था। राजा दशरथ के यहाँ भी रहते थे, धर्म का भी काम करते थे
और राजनीति की भी देखभाल करते थे। हमारी भी जिंदगी कुछ इसी तरह की हो गई है। पौने चार वर्ष तो जेलखाने में रहना पड़ा। सन 1920 से लेकर सन 1942 तक 22 साल तक हम दिन रात राजनीति में लगे रहे, समाज को ऊंचा उठाने के लिए और अंग्रेजों को भगाने के लिए। देश की आजादी के लिए हमने जो काम किया है, वशिष्ठ भगवान भी यही काम करते थे। पीछे वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अपने पास ले गए। हम भी आपको लेकर आए हैं। हमारे बच्चे तो क्या आएंगे, पर आप आ सकते हैं। आप भी हमारे बच्चे हैं। शंकराचार्य के बच्चे थोड़े ही थे। रामचंद्र जी के पिता का नाम वशिष्ठ थोड़े ही था, दशरथ जी था। आप भी तो हमारे बालक हैं। जिस तरीके से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों को लेकर वशिष्ठ जी आ गए थे और उनको यह बतलाया था कि धर्म और राजनीति दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है, हम भी आपको यही सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि धर्म और राजनीति का, विज्ञान और अध्यात्म का सम्मिश्रण समन्वय कैसे हो सकता है। आद्य शंकराचार्य का नाम सुना है ना आपने, जिन्होंने चारों धाम बनाए थे। चारों धाम कौन कौन से हैं? रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। चारों धामों में चार मठ उन्होंने स्थापित किए थे। उनका अपना निवास स्थान था ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ के पास शहतूत का एक पेड़ था, उसी के नीचे उनकी गुफा थी। वे वहीं रहते थे, वहीं उनने अपने ग्रंथ लिखे थे और वहीं तप किया था और वहीं जो कुछ भी काम कर सकते थे चारों धाम बनाने का, वे भी योजनाएं उन्होंने वहीं बनाई थीं। मानधाता को कहकर वह काम उन्होंने वहीं से कराया था। हमने भी यहीं से बैठकर गायत्री के 2400 धाम बनाए हैं। इसके अलावा भी 2400 और छोटे छोटे धाम हैं। शंकर जी का एक ही धाम है रामेश्वर में और जगन्नाथ जी का एक ही धाम है, बद्रीनाथ का एक ही धाम है, लेकिन गायत्री के हमने 2400 धाम बनाए हैं। आपने पिपलाद ऋषि का नाम सुना है, वह भी यहीं रहते थे हिमालय पर लक्ष्मण झूला के पास। पीपल के फल खा करके ही उनने जिंदगी काट दी थी, क्योंकि वे जानते थे जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यदि हम अपने मन को अच्छा बनाने की फिक्र में हैं, तो सबसे पहले शुरुआत अच्छे खाने से करनी चाहिए, अच्छे अन्न से करनी चाहिए। अच्छे अन्न का मतलब होता है कि बेईमानी से कमाया हुआ अन्न नहीं हो, बिना हराम का, जो अपने खून पसीने से कमाया हो उसी को खा करके रहना चाहिए। पीपल के पेड़ उन दिनों ज्यादा थे, उनके फल भी ज्यादा होते होंगे, तोड़ ताड़ कर उन्हें साल भर के लिए रख लेते रहे होंगे और उसे ही खाते रहे होंगे। हमारा भी आहार ऐसा ही रहा है। आपको मालूम है ना, जौ के ऊपर हम कितने दिन तक रहे हैं, अभी भी ठीक तरह से अन्न नहीं खाते हैं। पुस्तक देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 3। सूत और शौनक ऋषि की कहानियां प्रसिद्ध हैं। वे कहाँ रहते थे? हिमालय पर। कौन सी जगह? ऋषिकेश में। ऋषिकेश में वह पुराणों की कथाएं कहते थे।
शौनक जी पूछते थे और सूत जी कहते थे, दोनों ही कथाएं कहते थे। पुराने जमाने के तो 18 पुराण 18 समय पर लिखे गए थे। हमने एक प्रज्ञा पुराण ही बना दिया है। ये सब ऋषियों के काम हैं। एक एक ऋषि ने एक एक काम किया था, लेकिन हमने सारे ऋषियों के कामों का समन्वय किया है। ऋषियों के तरीके से यह सब बनाने की कोशिश की है। राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने हर की पौड़ी पर बैठकर अपना सर्वस्व दान किया था, तो उसी से तक्षशिला का विश्वविद्यालय बनाया गया था। हम हर्षवर्धन तो नहीं हैं, पर जो कुछ भी हमारे पास था वह सब का सब हमने दिया है। हर्षवर्धन की जो परंपरा सर्वमेध की थी, हर की पौड़ी के नजदीक थी, वह हमने शांति कुंज में ही ला करके स्थापित कर दी। कणाद ऋषि विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। उन्होंने एटम के संबंध में, अणु के संबंध में बहुत सारी खोजें की हैं। अपना ब्रह्म वर्चस्व भी विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं वह ऋषि परंपरा है जिसे हमने जिंदा रखा है। बुद्ध का नाम सुना है ना आपने? धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए उनके कितने शिष्य थे जो आकर समय समय पर साधनाएं किया करते थे और उपासनाएं करते थे। वे कहाँ रहते थे? बुद्ध के पास? नहीं, बुद्ध के पास नहीं रहते थे, नालंदा में रहते थे, तक्षशिला में रहते थे और कुछ हिमालय में रहते थे, कुछ कहीं तो कुछ कहीं। बुद्ध की परंपरा को भी हमने कायम रखा है। यहाँ शांति कुंज में पहले दो विश्वविद्यालय थे, पर अब एक ही है, अपनी तरह का निराला। धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए, प्रज्ञा चक्र को घुमाने के लिए बुद्ध जैसा क्रियाकलाप आप शांति कुंज में ही पाएंगे। हिमालय की गतिविधियों का एक केंद्र यह भी है। आर्यभट्ट ने भी इसी हिमालय में तप किया था। उन्होंने ज्योतिर्विज्ञान, ग्रह नक्षत्रों के विज्ञान की खोज की थी कि किस तरीके से ग्रह नक्षत्र घूमते हैं तो पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, पृथ्वी के निवासियों पर क्या क्या असर पड़ता है। ये सारी की सारी खोजें आर्यभट्ट ने अपने जमाने में इसी हिमालय में की थीं। आप कभी शांति कुंजाएं तो देख लीजिए कि उनके जो सारे क्रियाकलाप थे, जहां तक हमसे मुमकिन हुआ है वह बनाने की कोशिश की है। पंचांग भी यहां से प्रकाशित होता है। इसमें 9 ग्रह पुराने और 3 जो अभी अभी नए खोजे गए हैं। उन 12 ग्रहों का पंचांग भी केवल यहां से ही प्रकाशित होता है और कहीं से नहीं होता। नागार्जुन रसायन शास्त्री थे, उन्होंने रसायनों की खोज की थी। हमारे यहाँ भी दवाओं का और दूसरे अन्य रसायनों की खोज का क्रम है। हम जड़ी बूटी से कायाकल्प का नूतन अनुसंधान कर रहे हैं। श्रृंगी ऋषि मंत्र विद्या में पारंगत थे। वे लोमश ऋषि के बेटे थे। उन्होंने परीक्षित को शाप दिया था कि तुझे 7वें दिन सांप काट खाएगा, तो 7वें दिन सांप ने उन्हें काट खाया था। उन्होंने ही राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ कराया था। राजा दशरथ के बच्चे नहीं होते थे तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को उपयुक्त समझा गया। वे ब्रह्मचारी थे और मंत्र विद्या के पारंगत भी। उन्हीं की मंत्र विद्या की वजह से राजा दशरथ के 4 बच्चे पैदा हुए थे। यह सब श्रृंगी ऋषि की मंत्र विद्या थी। वह भी हिमालय में रहते थे।
मंत्र विद्या के बारे में, गायत्री के बारे में हम कोशिश करते हैं। दोनों नवरात्रों में अनुष्ठान कराते हैं। जो भी आदमी इस महत्वपूर्ण समय पर आते हैं, वे सब गायत्री का अनुष्ठान करते हैं। कैलाश पर्वत कहाँ है? यही हिमालय पर है। यह स्वर्ग है। हिमालय केवल ऋषियों की ही भूमि नहीं है, देवताओं की भी भूमि है। इसको स्वर्ग भी कहा गया है। सबसे पहले सृष्टि का उद्भव यही हुआ। मनुष्य यही जन्मे इतिहास के हिसाब से। हमने भी कहा है कि स्वर्ग कहीं आसमान पर न होकर अगर जमीन पर रहा होगा तो वह देवात्मा हिमालय वाले हिस्से में रहा होगा, कैलाश पर्वत पर। नंदन वन जो स्वर्ग में था वह यही है। तपोवन भी, मानसरोवर भी यही है। गोमुख से जरा आगे चलेंगे, जहां हमारे गुरुदेव का थोड़ी दूर पर निवास है, वह कैलाश में ही है। वह कैलाश तो अलग था जो तिब्बत में है, अब वह चीन के हाथों में चला गया है। उसको तो हम कैसे कहें कि शंकर जी को चीन छीन ले गया, लेकिन यह कैलाश पर्वत उसी पर है, इसलिए यह स्वर्ग भी है। हिमालय क्या है? स्वर्ग है। स्वर्गारोहण के लिए जब पांडव गए थे तो यही गए थे। स्वर्गारोहण बद्रीनाथ से आगे वसुधारा है और वसुधारा से आगे एक पहाड़ है, वही स्वर्गारोहण है। सुमेरु पर्वत भी यही है। सारे देवता उसी पर रहते थे। यह सोने का पहाड़ था। हमारे पास उसका फोटोग्राफ भी है। जब हम वहां गए थे तो उसका फोटोग्राफ भी साथ में लाए थे। वहां प्रातःकाल एवं सायंकाल के समय सुनहरी छाया रहती है। ध्रुव ने यही तप किया था। श्री कृष्ण भगवान तप करने के लिए बद्रीनाथ गए थे। रुक्मिणी और कृष्ण दोनों ने वही तप किया था। तप करने के बाद में उनके प्रद्युम्न जैसी संतान पैदा हुई। वाल्मीकि की और सीता जी की घटना तो आपने सुनी है। रामचंद्र जी ने जब सीता जी को वनवास दिया था तो वे वाल्मीकि के आश्रम में रही थीं और वहां लव कुश नाम के दो ऐसे बालक पैदा हुए थे जो रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से और हनुमान जी से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए थे। आपने शकुंतला का नाम सुना है और चक्रवर्ती भरत, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। शकुंतला कौन थी? वह कण्व ऋषि की बेटी थी। हाँ, बेटी ही कहिए। और उसके बच्चे भरत का जन्म पालन जो हुआ था, यहाँ कोटद्वार नाम की एक जगह है हिमालय में, वही हुआ था। हिमालय की इन सारी की सारी विशेषताओं को सिकोड़ करके हमने उनका विशाल मंदिर बना दिया है। ये सारी चीजें कहाँ हैं? अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आकर देख भी सकते हैं। हमने एक छोटी सी पुस्तक भी छापी है, रंगीन, जिसमें उन सब स्थानों का, हिमालय के स्थानों को बताने की कोशिश की है कि ये कहाँ हैं। हिमालय में 5 प्रयाग हैं, 5 काशियां हैं, 5 सरोवर हैं। हिमालय में 4 धाम हैं। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। 4 धाम ये ही कहलाते हैं। ये सारे के सारे पवित्रतम स्थान इसमें बने हुए हैं। उसका हमने मंदिर भी बनवाया है, जो उससे आपका संबंध जोड़ने की बीज की कड़ी है। सीढ़ी पर पहला पांव जहां रखा जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, तो पहले पांव को हम मुख्य मानते हैं।
उसको देहरी कहते हैं, इसीलिए हरिद्वार इसका नाम रखा गया है। यहाँ पहाड़ों पर जाने के लिए रास्ता है। पार्वती जी ने तप यहीं किया था। यहाँ एक विल्वकेश्वर मंदिर है, वहाँ पार्वती जी ने तप किया था और वहीं नजदीक में ही उनका विवाह हुआ था। यहीं पार्वती जी अपने पूर्व जन्म में, जिनका नाम सती था, जन्मी थीं और सती हुई थीं। वह दक्ष प्रजापति नामक स्थान है। दक्ष एक वैज्ञानिक थे, उनका सिर काटा गया था और महादेव जी उनसे नाराज हो गए थे। वह स्थान भी यही है। यह देवात्मा हिमालय है बड़ा शानदार, इसको क्या कहें। आपसे क्या अनुरोध है, यह कि हम तो सारी जिंदगी के लिए चले आए, मरेंगे तो भी हम इधर ही कहीं मरेंगे, लेकिन आपसे हमारी प्रार्थना है कि ऐसे पुनीत स्थान से आपको जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ा रहना चाहिए। हमको जिंदगी भर में 3 बार हमारे गुरु ने एक एक वर्ष के लिए बुलाया, बैटरी चार्ज करने के लिए। बैटरी जब धीमी हो जाती है गाड़ियों की, तो उसको फिर दोबारा चार्ज कर देते हैं, फिर वह बैटरी काम करने लगती है। इसीलिए जब हमारी बैटरी धीमी पड़ी, तब हमको हमारे गुरु ने बुलाया और अब हम यहाँ हैं। आपको हम निमंत्रण भेजते हैं इस व्याख्यान के द्वारा। आपको जब कभी भी मौका मिले, तीर्थ यात्रा का जब कभी भी मौका मिले, आप यहाँ शांति कुंज में आने की कोशिश कीजिए, जहाँ सारे ऋषियों की परंपरा है, जहाँ हिमालय की सारी विशेषताओं को हमने एकत्रित करके रखा है। पुस्तक देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 4। जब आपका जन्म दिन हो, विवाह दिन हो, तो यहाँ आने की कोशिश कीजिए, और बच्चों के संस्कार कराने के लिए 16 संस्कार कराने हों तो आप यहाँ आने की कोशिश कीजिए। बच्चों के संस्कार कराने के लिए पुनीत स्थान की लोग तलाश करते हैं। किसी देवी के यहाँ, किसी मंदिर में लोग संस्कार कराते हैं। आप भी यहाँ आ सकते हैं। श्राद्ध और तर्पण कराने के लिए भी ऐसा नियम है कि यहाँ बद्रीनाथ के पास में ब्रह्म कपाल नाम का स्थान है, वहाँ लोग तर्पण कराते हैं। यहाँ भी तर्पण कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं। आप चाहें तो हरिद्वार में भी करा सकते हैं, लेकिन वह स्थान कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन हमारा जो स्थान है, वह बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ जो भी आते हैं, नवरात्र के दिनों में यहाँ अनुष्ठान कराते हैं। यह अनुष्ठान की भूमि है। शिक्षण की भी सारी व्यवस्था यहाँ है। शिक्षण के लिए आपका कभी मन हो, गुरुजी ने जो सीखा था उसको आगे चलकर हम भी सीखें, तो यहाँ 10 दिन के शिविर भी होते हैं, 1 महीने के शिविर भी होते हैं। ये दोनों ही शिविर होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्थान आप ऐसे मान लीजिए, जैसे गणेश जी ने राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा लगा ली थी, और परिक्रमा लगाने के बाद में उनको वह सारा का सारा पुण्य मिल गया था, जो कि विश्व की परिक्रमा से मिलना चाहिए था। गणेश जी को पहला नंबर मिला। उनका चूहे की सवारी पर बैठकर सारे विश्व भर में घूमना तो संभव नहीं था, अतः उन्होंने विवेक से काम लिया
और राम नाम की परिक्रमा लगा ली। यह छोटा सा गायत्री तीर्थ है, छोटा सा शांति कुंज, उन सारी विशेषताओं से भरा पड़ा है। हम तो अब ज्यादा समय तक रहेंगे नहीं, अभी सन 2000 तक तो रहने वाले हैं नहीं, किंतु इस शरीर से नहीं तो सूक्ष्म शरीर से रहेंगे। यहां हमारी प्रेरणा बराबर रहेगी और आपको बराबर वह लाभ मिलता रहेगा जो कि मिलना चाहिए। बहुत शानदार जगह है शांति कुंज, इन सारे ऋषियों का। यहाँ के 24 गायत्री के 24 ऋषि हैं और उन 24 ऋषियों का सार यहाँ है। वे ऋषि जो करते थे उनकी परंपरा का सार देखना हो तो यहाँ है। यह तीर्थों में ऐसा तीर्थ है कि यहाँ आकर के आप कभी उपासना करें तो जिस तरीके से नागपुर के संतरे, बंबई, मुंबई के केले फलदायक होते हैं, ठीक उसी तरीके से फलदायक आप अपने को पाएंगे। यह शांति कुंज तीर्थ हमने बनाया है तो समझना चाहिए, यह आपके लिए बनाया है। हिमालय बना होगा तो हमारे गुरु ने हमें यहाँ खींच करके हिमालय बुलाया और हमको वहां पर रखा। हम आपको खींच करके यहाँ बुलाएंगे कि आप यहाँ शांति कुंज में आया करें। साल में एक बार किसी प्रकार आने की कोशिश किया करें। यहाँ के आने जाने में जो आपका पैसा लगा है, समय लगा है, जो कुछ भी चीजें लगी हैं, वे सब सार्थक सिद्ध होंगी, निरर्थक सिद्ध नहीं होंगी। आप शांति कुंज आकर के यह ख्याल नहीं करेंगे कि हम निरर्थक आए और हमने बेकार में समय और पैसा गंवाया। बस और तो कुछ कहना नहीं, आज की बात समाप्त। ओम शांति ही। पुस्तक देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 5, हिमालय की ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण। जमदग्निपुत्र परशुराम के फरसे ने अनेकों उद्धत उच्छृंखलों के सिर काटे थे। शांति कुंज से चलने वाली लेखनी वाणी ने उसी परशु की भूमिका निभाई एवं असंख्यों की मान्यताओं, भावनाओं, विचारणाओं एवं गतिविधियों में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। भगीरथ ने जल दुर्भिक्ष के निवारण हेतु कठोर तप करके स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। शांति कुंज से ज्ञान गंगा का जो अविरल प्रवाह बहा है उससे दुर्भिक्ष मिटेगा, सद्भावना का विस्तार चहु ओर होगा। चरक ऋषि ने केदारनाथ क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में वनौषधियों की शोध करके रोग ग्रस्तों को निरोग करने वाली संजीवनी खोज निकाली थी। शांति कुंज में दुर्लभ औषधियों को खोज निकालने, उनके गुण प्रभाव को आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों से जांचने का प्रयोग चलता है। महर्षि व्यास ने व्यास गुफा में गणेश जी की सहायता से पुराण लेखन का कार्य किया था। प्रज्ञा पुराण नवीनतम सृजन है जिसमें कथा साहित्य के माध्यम से उपनिषद दर्शन को जन सुलभ बनाया गया है। पतंजलि ने रुद्र प्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी के संगम स्थल पर योग विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों का आविष्कार और प्रचलन किया था। शांति कुंज में योग साधना के माध्यम से इस मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु साधकों को दिशा धारा प्रदान की जाती है। याज्ञवल्क्य ने त्रियुगी नारायण में
यज्ञ विद्या का अन्वेषण किया था। आज यज्ञ विज्ञान की श्रृंखला को फिर से खोजकर समय के अनुरूप अन्वेषण करने का दायित्व ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान ने अपने कंधों पर लिया है। विश्वामित्र गायत्री महामंत्र के दृष्टा नूतन सृष्टि के सृजेता माने गए हैं। वह पावन भूमि यही गायत्री तीर्थ शांति कुंज ही शब्द शक्ति पर वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वामित्र परंपरा का ही पुनरुज्जीवन है। जमदग्नि का गुरुकुल आरण्यक उत्तर काशी में स्थित था। शांति कुंज भी एक आरण्यक है। देवर्षि नारद ने गुप्त काशी में तपस्या की। वे निरंतर अपने वीणा वादन से जन जागरण में निरत रहते थे। शांति कुंज के युग गायन शिक्षण विद्यालय ने अब तक हजारों ऐसे परिव्राजक प्रशिक्षित किए हैं। देव प्रयाग में राम को योग वासिष्ठ का उपदेश देने वाले वशिष्ठ ऋषि धर्म और राजनीति का समन्वय करके चलते थे। शांति कुंज भी वशिष्ठ परंपरा का निर्वाह करता है। आद्य शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में तप किया एवं चार धामों की स्थापना देश के चार कोनों पर की। शांति कुंज के तत्वाधान में 2400 गायत्री शक्तिपीठें विनिर्मित हुई हैं, जहां से धर्म धारणा को समुन्नत करने का कार्य निरंतर चलता रहता है। ऋषि पिप्पलाद ने ऋषिकेश के समीप ही अन्न के मन पर प्रभाव का अनुसंधान किया था। वे पीपल वृक्ष के फलों पर निर्वाह करके आत्म संयम द्वारा ऋषित्व पा सके। हमने 24 वर्ष तक जौ की रोटी एवं छाछ पर रहकर गायत्री अनुष्ठान किए। हर की पौड़ी हरिद्वार में सर्व मेध यज्ञ में हर्षवर्धन ने अपनी सारी संपदा तक्षशिला विश्वविद्यालय निर्माण हेतु दान कर दी थी। शांति कुंज के सूत्रधार ने अपनी लाखों की संपदा गायत्री तपोभूमि तथा जन्मभूमि में विद्यालय निर्माण हेतु दे दी। कणाद ऋषि ने अथर्व वेदीय शोध परंपरा के अंतर्गत अपने समय में अणुविज्ञान का वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का अनुसंधान किया था। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में अध्यात्म देव एवं विज्ञान दैत्य के समन्वय का समुद्र मंथन चल रहा है। बुद्ध के परिव्राजक संसार भर में धर्म चक्र प्रवर्तन हेतु दीक्षा लेकर निकले थे। शांति कुंज में मात्र अपने देश में धर्म धारणा के विस्तार हेतु ही नहीं, संसार के सभी देशों में देव संस्कृति का संदेश पहुंचाने हेतु परिव्राजक दीक्षित होते हैं। आर्यभट्ट ने सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का ग्रह गणित जाना था। शांति कुंज में एक समग्र वेधशाला बनाई गई है एवं ज्योतिर्विज्ञान पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु संत ज्ञानेश्वर समर्थ गुरु रामदास प्राणनाथ महाप्रभु राम कृष्ण परमहंस आदि सभी मध्यकालीन संतों की धर्म धारणा विस्तार परंपरा का अनुसरण शांति कुंज में किया गया है।